ये मंदिर का रास्ता है गाइस। धाम की देवी है, कांडे देवी। हाँ जी, गाइस अभी हमने कांगड़ा देवी के दर्शन किए हैं और अभी हम मंदिर में ही हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर का व्यू किस तरह का। पहले यहाँ पे लंगर भी लगता था लेकिन अब यहाँ पे लंगर नहीं लगता कोरोना की वजह से, और बिल्कुल खाली है। मतलब रास्ता भी बहुत अजीब सा है, मतलब यूँ चढ़ाइए, यूँ मतलब कैसे बताऊँ, मतलब 70 डिग्री होते होते रहेगा, मतलब 70 डिग्री कैसी कड़ी चढ़ाई है। और बाइक चलाना इतना मुश्किल हो गया मतलब पहले गियर में, और अगर थोड़ी सी मतलब चूक हो जाए ना तो बाइक सीधी वापस नीचे जाएगी वो रिवर्स में। और अब यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ मैं, पीछे पहाड़ों का कैसा व्यू है। बादल बादल बिल्कुल ऊपर दिखाई दे रहे हैं, और हो सके और वो देखो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए बादल से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये वो पहाड़ है। और यहाँ सामने ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे लंगर होता था लेकिन अब लंगर नहीं होता है, यहाँ पे बंद है कोरोना की वजह से। ये देखो गाइस ये मंदिर है। गाइस हम जा रहे थे तपोवन, ठीक है, और हम आ गए हैं गलत रास्ते पर, मतलब दूसरे ट्रैक पे आ गए हैं। और ये है कोई ज्ञाना कला करके, ठीक है, और इधर है ना इतना पीसफुल है यार, इतना मतलब ज़बरदस्त है व्यू। व्यू दिखाता हूँ आपको पीछे का, ये देख, ये देखो गाइस ये वही वाले पहाड़ हैं जो हमें कांगड़ा देवी से दिखाई दे रहे थे, ये देखो हम इनके नज़दीक हैं। और इधर का व्यू देखो आप, ये देखो व्यू देखो गाइज क्या जबरदस्त व्यू है यार, क्या स्विट्जरलैंड। गाइज फाइनली हम पहुंच गए तपोवन, ठीक है, और यहाँ पे पीस देखो यार क्या जबरदस्त पीस है, मतलब इतनी पीसफुल जगह मैंने तो नहीं देखी। और शाम हो रखी इस टाइम, सनराइज नहीं मतलब सनसेट हो चुका है। और ये व्यू देखो पीछे, ये व्यू देखो, ये और ये गाइस पूरा तपोवन है। ये इधर शिवलिंग देखिए, ये गाइस देखो वो बादल देखिए जो मैं कांगड़ा देवी से दिखाई दे रहा था, ये वो पहाड़ है जो मैं कांगड़ा देवी से दिखाई दे रहा था, ठीक है। और ये पूरा तपोवन है, ये देखिए ये शिवलिंग है और ये हनुमान जी। फाइनली गाइज हम पहुंच गए हैं धर्मशाला में, अभी आए हैं हम डिनर करने के लिए राजेंद्र वैष्णव ढाबा पर।